गाइस बोल तो बोल कि मैं नहा धोवा लिया हूँ और मैं रो रहा हूँ। अब निंदा आ रही है, क्या आ रही है? क्यूटी बॉय, मेरे क्यूटी बॉय, क्यूटी बॉय को छेड़ा आ गया इसको, है ना? 12 बजते बजते नींद आ जाती है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? मज़े में हो? बहुत बढ़िया है, हम भी। कल मैं रतलाम गई थी तो पता नहीं कैसे एंड हो गया वीडियो का, तो वहाँ पर मुझे वापस जाँचे वाँचे तो नहीं करी, लेकिन ट्रीटमेंट वापस लिख के दिया गोली दवाई। मतलब उन्होंने बोला लंबी चलेगी, यानी कि 2 महीने। तो फिर से इतनी सारी गोलियाँ दे दी है मुझे, वही कंटिन्यू खानी है। उन्होंने बोला है कि हालत बहुत गंभीर थी तो कंटिन्यू चलेगी गोली दवाई। तो फिर वाह, चलिए खाते हैं गोली दवाई, देखते हैं। और इसको है ना दादी ने निलाया है, और किट्टू को भी निला रही है बातों में, मतलब मेरी मम्मी जी। और उन्होंने अभी से शुरू किया है वो लोग। हाय कर दो, हाय हाय, ऐसे करो, हाय से हाय करो यार, से हाय से हाय। मैं कितनी बड़ी दिखती हूँ, मैं कितनी गंदी गंदी दिखती हूँ, तो कितना क्यूट क्यूट दिखता है, तो कितना क्यूट क्यूट दिखता है। मैं कितनी गंदी गंदी दिखती हूँ, तेरी चमड़ी और मेरी चमड़ी का तो कोई मेल ही नहीं है। बस ये होट अंदर ले लेगा, पड़ेगी एक चाटे की होट अंदर लिया है तो। वाह नी वाह, वाह नी देखो ऐसे होते हैं शैतान बच्चे। और फिर ले लिया इसने होट अंदर, देखो इसकी ये आदत लग गई है, ये होट ऐसे ही लगता है अंदर, आपने हमेशा नोटिस किया होगा। और इसको मैं पहला देती हूँ कपड़े, फिर देखती हूँ आज मैं कुछ कहीं जाऊँगी कहाँ, मतलब प्लानिंग तो बहुत है, लेकिन आप वीडियो में आगे तक बने रहिए। देखो किट्टू आ गया है, नहा धोवा के और कैसी मस्ती कर रहा है। ए वो दिख जाएगी तेरी टुआल, और टुआल और टुआल लोग क्या बोलेंगे, गंदा गंदा ऐसे मस्ती करता है। मुझे हाय करो, हाय बोलोगे? हाय, कैसे हो आप सब? आप कैसे हो सब? दादी कैसे बोलती है बेटा, ऐसे करती है इसको, इस इसको आता है बोल हाय। तो दादी के पास था कल, है ना? कहाँ था तू, कहाँ था तू? दादी के पास, दादी के पास था। हेलो जी, राधे राधे। तो मैं उसके बाद यहाँ आ गई थी पार्लर, मतलब किट्टू को स्कूल भेज दिया था, चेरी को सिला दिया था, और मम्मी जी थे तो बिल्कुल मैं नो टेंशन से ही पार्लर आ गई थी। और यहाँ पर मैं कुछ करवाने वाली हूँ, कुछ क्या, फेशियल वगैरह यही करवाने वाली हूँ। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मेरे क्या बोलते हैं नोज पर, चिक पर ये बहुत हो रहे हैं ब्लैक किड्स, तो ये है ना बढ़ते ही जाते हैं अगर इन पर ध्यान नहीं दो तो। हालांकि फेशियल वगैरह तो मैं घर पर भी कर सकती हूँ, लेकिन इतने आराम से अपन नहीं कर पाते हैं जितना पार्लर वाले आराम से कर पाते हैं, मतलब खुद से नहीं होता है, किसी की हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो ये ब्लैक हेड्स जो रहते हैं ना, मतलब जो हमारे नोज के अंदर छिपे रहते हैं ब्लैक ब्लैक दाने दाने जैसे, उनको निकलवाना ज़रूरी है। तो ख़ास करके लिए मैं उन्हीं के लिए आई थी। और मुझे पता है कि कुछ लोग, मतलब जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, उनको ये बहुत ही बुरा लगेगा कि मैं ये ऐसी वीडियो भी शेयर कर रही हूँ, लेकिन मेरा काम है कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँ, यानी कि जो मेरी डेली की लाइफ स्टाइल है, ठीक है ना? तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है कौन क्या नहीं, क्योंकि मैं मेरी लाइफ में मस्त हूँ। जी हाँ, और कुछ लोग तो, और ये है ना, आप बुरा मत मानना, मैंने किसी के ऊपर नहीं कहा है कि मतलब बुरा बोलने वाले या भैया, लेकिन ये है ना कि कुछ लोग तो ऐसा भी बोलेंगे कि क्या है पति के पैसे उड़ा रही है पार्लर पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ज़रूरत है कि मुझे मेरे चेहरे पर क्या कमी है, यानी कि मतलब मुझे क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, तो बस उसी के हिसाब से मैं ये करवा रही हूँ फेशियल, खासकर ब्लैकेस के ब्लैकहेड हटाने के लिए। जी हाँ, और जो कुछ बुरे लोग हैं ना, उनसे मैं नहीं डरती हूँ, कुछ ही है, ज़्यादातर नहीं है, लेकिन कोई नहीं, वो समझ जाएंगे जो होंगे तो। और ख़ास कर है ना, मतलब हमारे इर्द गिर्द वाले ही होते हैं, ज़्यादा दूर वाले नहीं होते हैं, ठीक है ना? और ये देखिए, ये आंटी जी मुझे, मतलब ये नोज़ से निकालते हैं ना ब्लैक हेड्स, तो बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन फिर भी सहन करके निकलवाना है। बाकी
बाद में इतने टाइट हो जाते हैं कि फिर ये निकलते ही नहीं बनते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि हर महीने डेढ़ महीने में ये करवा ही दूंगी तो एक दो बार साफ हो जाएगा, यानी कि एक दो बार करवा दूंगी तो साफ हो जाएगा। तो आज का पूरा दिन तो मेरा पार्लर में ही बीत गया था, यानी कि 12:30 बजे तक आई थी मैं, 5 बजे तक गई थी मैं। जी हाँ, क्योंकि काम ही प्रोसेसिंग इतनी लंबी थी, हालांकि मुझे 2 मिलके ट्रीट कर रहे थे, फिर भी मेरा टाइम पूरा पार्लर में ही चला गया। तो मैंने सोचा आज क्या वीडियो शूट करूँगी, क्या अपलोड करूँगी, तो जो था वही डाल दिया। तो मतलब बुरा बोलने वालों तो को तो मैं क्या ही बोलूं, लेकिन जो अच्छे वेल विशर्स हैं उनके लिए तो थैंक यू कि मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। बहुत से जने हैं ना जो प्यार भी करते हैं, यानी कि सपोर्ट भी करते हैं, और खूब ऐसे भी है जो कुछ ऐसे खूब नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो जलते भी है, मतलब अपनी तरक्की से जलते हैं और कुछ नहीं, मतलब अपनी तरक्की से जलते हैं और कुछ नहीं है। और ये फेशियल का नाम मैं भूल गई, पता नहीं कौन सा किया था इन्होंने, शायद नाम याद आ जाएगा तो मैं टाइप कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, नहीं आएगा तो पता नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग भी आधा घर पर ही था कि यार मैं लेट हो जाऊँगी, तो इतना अच्छे से मुझे याद नहीं फेशियल का नाम वगैरह तो, लेकिन अच्छा था, मतलब बाद में बहुत ही अच्छा ग्लो आ गया था चेहरे पर। और जो मुझे समस्या थी कि हाँ, जो मुझे लग रहा था कि ये मेरे चेहरे पर कब हटेगा, तो वो निकल गया था, बस मेन चीज़ वही है। और ये मास्क है जो आप खुद घर पर भी लगा सकते हो, मतलब मैंने पहले लगाया था, लेकिन मैं जब इसको निकालती हूँ ना तो बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा, आज भी हुआ था। खैर कोई नहीं, अपना चेहरा तो सही हो गया महीने दो महीने के लिए, यानी कि ध्यान देते रहो ना। मैं क्या है, पहले केयर करती थी, लेकिन अभी बच्चों की वजह से केयर नहीं कर पाती हूँ, तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है मुझे ऐसा लगता है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और यहाँ पर मेरी हेयर मसाज हो रही है, तो मुझे पूरा दिन पार्लर में ही हो गया था।